वो घराना अजीम घराना की जहां मन्नत मानी जा रही है और
और मन्नत किस बुनियाद पे मानी जा रही है, और मन्नत मानने वालों में कौन शामिल थे और रोजा रखने वालों में कितने और शामिल हो गए। ये अपने मकाम पर फजाइल अहले बैत का इशारा भी है और सीरत अहले बैत के उनवानात भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक तवस्सुल बयान कर दूं, आपकी खिदमत में कल भी इशारा किया था कि जनाब खतीबे ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से वसीले की एक ऐसी कैफियत है कि उलमा कहते हैं अगर इंसान को कोई बहुत अहम हाजत दरपेश हो, बहुत अहम हाजत दरपेश हो, एक तो बड़ा मुश्किल है मेरे और आपके लिए फैसला करना कि अहम हाजत कौन सी। हो सकता है एक घंटे पहले एक कोई और हाजत अहम हो, एक घंटे बाद कोई और हाजत अहम हो जाए, लेकिन अगर कोई ऐसी हाजत हो कि इसका हल होना, पूरा होना इंसान के मुस्तकबिल पर, इंसान के तमाम हालात पर असर अंदाज होता हो, तो उसे चाहिए कि वजू कीजिए। वजू करने के बाद वो शख्स मोमिन या मोमिना टिपकर होकर बैठ जाइए और बगैर किसी से बात किए बगैर, वजू करने के बाद तंदरुस्त होने के बाद किसी से बात किए बगैर और कोई दरमियान में ऐसा दूसरा अमल अंजाम दिए बगैर कि जो इंसान को किबला रुख से हटने में मजबूर करता हो। 400 मरतबा सूरह मुबारक इन्ना अनज़लना की तिलावत कीजिए। वैसे तो पूरा महीना सूरह इन्ना अनज़लना का है, बाकी और सूरह पढ़िए कि ना पढ़िए, मगर रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम तिलावत करता है तो उसे मुनादी निदा देता है, मुनादी उसे निदा देता है कि ए बंदे खुदा तेरे पिछले सारे गुनाह बख्श दिए गए, अब नए सिरे से अपने आमाल का आगाज कर। यह वो रिवायत जो बड़ी तकवीयत पहुंचाती है कि अगर मेरा दिल चाहता हो कि मैं सूरह इन्ना अनज़लना के बजाय सूरह इज़ा जाअ नसरुल्लाह वल फतह आज पढ़ लूं नमाज में, बस आपका दिल चाहता है सूरह आला पढ़ ली जाए या सूरह अल-क़ारिया पढ़ ली जाए या सूरह हुमज़ा पढ़ ली जाए या इला आखर रिवायत के जुमले, अगर कोई इंसान कोई और सूरह पढ़ना चाहता हो और उस सूरह के बजाय सूरह इन्ना अनज़लना इस ख्याल से पढ़े कि इसका सवाब खुदा की बारगाह में ज्यादा है, तो मासूम फरमाते उसे दोनों सूरों का सवाब मिल जाएगा। इसका जहन में इरादा था उसका भी सवाब मिल जाएगा, जो पढ़ रहा है उसका भी सवाब। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। और ये पूरा मुबारक महीना सूरह इन्ना अनज़लना का महीना है, हर रोज रात में 1000 मरतबा सूरह इन्ना अनज़लना पढ़ने के लिए रिवायात में ताकीद की है, मगर बहुत कम है जो हम इस पर अमल कर पा रहे हैं वो अपने मकाम पर। वरना कम से कम वजू करते हुए सूरह इन्ना अनज़लना, वरना रोजा खोलते हुए सूरह इन्ना अनज़लना, रोजा बंद करते हुए सूरह इन्ना अनज़लना, कि रोजा बंद हो तो इन्ना अनज़लना के साथ, खुले तो इन्ना अनज़लना के साथ। तो क्या उनका तरीन ताबीरात हैं, सूरह इन्ना अनज़लना 400 मरतबा पढ़े। शायद किसी और मुबारक महीने में ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता हो, मगर माह मुबारक रमजान में तो जुबान पर आयत कुरान की तिलावत का जायका ही अलग होता है। 400 मरतबा पढ़िए जब दरुस्त बैठ कर बावजू होकर, मर्द हो या खातून, और 400 में से 200 मरतबा का सवाब हदिया कीजिए हजरत खतीजे ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की मुकद्दस में, और 200 मरतबा सूरह इन्ना अनज़लना के सवाब हदिया कीजिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालिदा मुहतरमा की बारगाह मुक़द्दस। यानी अगर गौर कीजिए शहज़ादी कौनैन की वालिदा और इमाम ज़माना की वालिदा, शहज़ादी कौनैन की वालिदा और इमाम ज़माना की वालिदा, 400 मरतबा सूरह इन्ना अनज़लना। बहुत अहम काम कोई हो जो आप महसूस कर रहे हो कि अब ये काम तो गले में आकर गोया कि अटक गया है, तो इसको हल कैसे किया जाए, सूरह इन्ना अनज़लना इतना मुश्किल अमल नहीं है,
और क़िबला रुख बैठकर बावजू होकर मगर याद रखिए किसी से बात किए बगैर और कोई ऐसा काम किए बगैर बावजू होने के बाद बस आपकी जुबान शुरू हो तो बस सूरह ईमान जमना पड़ रही हो और उसके बाद दूसरा अमल जैसे कि आजकल के हालात और वाकयात में लोग परेशान होते हैं खासतौर से बेटी पैदा हो जाए तो मुश्किल मुझे माफ करे ऐसा माहौल बना दिया जाए कि बेटा पैदा हो जाए तो आसानी और बेटी पैदा हो जाए तो मुश्किल। अच्छा बेटी पैदा हो गई तो अब उसके बाद उसकी शादी के लिए उसके जहेज के लिए उसके रिश्ते के लिए एक और मुश्किल। अच्छे रिश्ते का इंतखाब एक ऐसा इम्तिहान मोमिन के लोहे के चने चबाना शायद आसान लगे मगर बेटी का रिश्ता उमदा कहीं मुंतखब करना बड़ा मुश्किल। और तीसरा मसला बेटी का रिश्ता कर दिया तो आप दुआ करते रहेंगे सारी जिंदगी कि वो घराना आबाद रहे मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत रहे बच्चियां अपने घरों में आबाद रहें उनके नसीब अच्छे हो जाए। ये ऐसी फिक्रात ही इंसान को परेशान करती है। उसमें खासतौर से एक ऐसा अमल बयान किया उलमा ने कि जो खास सात बीवियों के नाम से सात बीवियां कौन सी हैं जिनमें पहली बीवी जनाबे खदीजा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा दूसरी बीवी जनाबे फातिमा बिनते असद सलामुल्लाहि अलैहा सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाह अल्लाह दूसरी बीवी जनाबे फातिमा बिनते असद और तीसरी बीवी जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा चौथी बीवी जनाबे फातिमा उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा ठीक पांचवी बीवी जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा और छठी बीवी मासूम तुम जनाबे फातिमा बिनते इमाम मौसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आखिर में सातवीं बीवी जनाबे नजस खातून सलामुल्लाहि अलैहा जनाब खतीजा ताहिरा फातिमा बिनते असद जनाब सैयद कौनैन जनाब उम्मुल बनीन जनाब ज़ैनब कुबरा जनाब मासूम कुम और जनाब नरजिस खातूनी सात बीबियां हैं। ये सात बीबियां इतनी मोतबर हैं तमाम बीबियां जो अहले बैत के खानवादे में उन तमाम बीबियों में हत्ता के अंबिया के खानदानों में इतने मोतबर नाम आपको एक साथ कहाँ मिलेंगे। ये सात नाम हैं। अमल इस तरह से मुनाकिद होगा कि या जुमेरात से आगाज कीजिए फजर की नमाज के बाद या जुमे के दिन से आगाज कीजिए फजर की नमाज के बाद। फजर की नमाज के बाद मर्द ये अमल करते हों या ख्वातीन करें ये अमल चार जुमेरात या चार जुमे के लिए यानी पूरा महीना यानी कि पूरा महीना चार जुमे या चार जुमेरात। अगर जुमेरात कर रहे हैं तो चार जुमेरात और अगर जुमा मुंतखब किया तो फिर चार जुमे। फजर की नमाज पढ़ने के बाद इन सात बीवियों की खिदमत में हदिया दो दो रकत नमाज तो ये सात नमाजें हो गई और चौदह रकत नमाज हो गई। बतरीक़े नमाज फजर हदिया पेश करता या करती हूँ दो रकत नमाज बख़िदमत जनाब खतीजा ताहिरा क़ुरबतन इलल्लाह इसी अंदाज से हर नमाज की नियत उस बीबी के नाम से होगी हदिया पेश करते हुए। जब ये सात नमाजें चौदह रकात मुकम्मल कर लीजिए दो दो रकत करके नमाज मुकम्मल कीजिए उसके बाद फिर एक तस्बीह दुरूद की और उसके बाद सूरह मुबारक यासीन की तिलावत। सूरह मुबारक यासीन की तिलावत में क्योंकि सूरह यासीन में सात मकामात पर मुबीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ सात मकामात पर मुबीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो हर एक मुबीन के बाद रुक कर दुआ मांगिए और एक बीवी का वास्ता दीजिए। पहला मुबीन जनाब खतीजा ताहिरा का वास्ता परवरदिगार आपके बेटे के लिए और आपकी बेटी इसके लिए दुआ कर रहे हो बेटे का रिश्ता मसला है या बेटी का रिश्ता मसला है उसके हक में दुआ मांगिए। सात मुबीन रुकें और रुक कर दुआ मांगे वास्ता दें परवरदिगार को उस एक बीवी का यहाँ तक के सात बीवियों के नाम मुकम्मल हो जाएंगे और फिर खुदावंद आलम की बारगाह में अपने बेहतर दामाद के लिए या उम्दा तरीन बहू के इंतखाब के लिए वसीला बनाइए। इंशाल्लाह ये अमल जब अंजाम दिया जाए तो खुदा इन सात बीवियों की बरकत से दोनों मसले हल कर दे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ये तो बात ठीक है, हमारे पास तवस्सुल के अलावा है क्या? और तवस्सुल में या नमाज की कैफियत है या अहले बैत अथार के नामों का वसीला और सहारा है। और अब आइए उसके बाद हम दाखिल हो जाते हैं बराह रास्त सूरह मुबारक हल अता के उन तमाम मामलात पर कि वाकयन ऐसा घराना अहले बैत अथार का कि जहां शहजादे अलील हुए। एक बीमारी इंसान के अपनी तरफ से आती है, जो इंसान अगर एहतियात ना करे, ज्यादा ठंडा पानी पी लिया, गला खराब हो गया, तो इसमें खुदा का कसूर तो नहीं है, इसमें खुदा की तरफ से इम्तिहान का उन्वान तो नहीं है, ये तो आपका जाती मसला है। बहुत ज्यादा अगर कोई ऐसी नुकसानदेह चीज खा ली या पी ली और बीमार पड़ गए तो ये आपका अपना मसला है। मसला अपना हो या पराया हो, मर्ज यहां से हो कि वहां से हो, शिफा तो वहीं से होती है। ये अपने मकाम पर याद रखिएगा, शिफा वहीं से होती है। लेकिन बीमारी हो सकता है, मेरी और आपकी बीमारी दो मसाइल लगती हो, या तो खुदी से हो या खुदा से हो। अगर एहतियात के बाद बीमारी है और खुदा से करीब कर रही है तो खुदा की तरफ से है, और बे एहतियाती के बाद बीमारी है और खुदा से दूर कर रही है तो मेरे गुनाहों की सजा भी हो सकती। खुदा मुझे और आपके लिए ऐसी बीमारियां कि जो खुदा से करीब करें वो तो नसीब करे, और जो खुदा से दूर करें उन बीमारियों से हमें दूर रखे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन शायद ये दुआ मांगना अपने मकाम पर मुनासिब है, मगर मैं उससे बेहतर दुआ भी करता हूं, परवरदिगार बीमारियों से ही महफूज रखे। लेकिन बीमारियों से महफूज होना कभी कभी इंसान को खुदा से दूर भी कर सकता है, कि जब इंसान हम कभी बीमार ही ना हो तो उसे क्या खबर कि खुदा से कुर्बत किसे कहते। तो ठीक है, मासूमीन की बीमारियां एक ऐसा पैगाम है कि मासूमीन ने कोई एहतियात के खिलाफ काम तो नहीं किया होगा, कुछ खाने पीने मसला तो पेश नहीं आया होगा। ये एक बीमारी उम्मत की तरबियत का तरीका। शहजादे अलील हो गए, और जब अलील हो गए तो उनकी सेहतयाबी के लिए अल्लाह के रसूल के फरमान पर मन्नत मानी गई। और मन्नत काय की मानी गई? मन्नत हम मानते हैं, बसा औकात मन्नत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नजर के माना में। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा फिकी एतबार से नजर क्या है, अहद क्या है और मन्नत क्या है। आसान सा जुमला हमारे पर एक इश्काल किया जाता है कि जब कभी आप किसी मरहूम की फातिहा खानी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक तरफ रखा हुआ है खाना, उसको अलग किया गया है, कहते हैं ये नज़र है, ये फातिहा है, ये फातिहा है मरहूम की या मरहूमा की, और ये नज़र है चहारदे मासूमी शहदाए करबला की। तो उसी वक्त सामने से मुसलमान का सवाल आएगा, नज़र तो सिर्फ खुदा के लिए होती है, ये गैर खुदा के लिए नज़र आप कैसे कर रहे हैं? इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमन, कुरान के अल्फाज हैं, नजर जब भी होगी या रहमान यानी परवरदिगार आलम के लिए होगी। तो ये कौन सी नजर है जो आप कर रहे हैं चहरदे मासूमीन के लिए? असलन लफ्ज का मसला है, असलन इश्तबाह लफ्ज है, उर्दू की नजर है, न कि फिकी एतबार से इस्तेलाहन अरबी की नजर, या यूं कह लीजिए जैसे अरफा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नौ जिलहज की तारीख के लिए रोजे अरफा, या कोई 13 शाबान को अरफा मनाए अपने मरहूमीन का। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, दोनों अरफे, एक अरफा शरीयत है, एक अरफा खुद साख्ता है। खैर, खुद साख्ता और खुदा साख्ता मसले अलग हो जाएंगे, लेकिन किसी अरफे की मुखालफत नहीं कर रहा। अलबत्ता बात यह है कि अगर अरफा खुद साख्ता में जुमला पहचानिएगा, अगर कोई इंसान अपने आप को आज पहचान ले तो आज अरफा है, और अगर नौ जिलहज को भी ना पहचान सके तो नौ जिलहज को भी अरफा नहीं है। अरफा तो अपनी पहचान का नाम है, अपनी पहचान के दिन का नाम यौम अरफा है। लेकिन अगर मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब किया जाए, फातिहा खानी की जाए और उसको मरहूमीन की याद का नाम दिया जाए तो इसमें कोई मुजायका नहीं, जब तक के हराम इसमें दाखिल ना कर दिया जाए। कि अब इसमें बाकायदा मसाइल बना लिए गए कि जो एक साल के अंदर अंदर मरे होंगे उनके नाम तो यहां होंगे, और जो एक साल के बाद मरे उनके नाम वहां होंगे।
या ये खातून जो है वो इस तरह अरफा मनाएगी, वो खातून वैसे अरफा मनाएगी, ये सब मसाइल मसाइल औरत में तो हैं, मसाइल किताब खुदा में नहीं है। फिर क्या है, अरफा और अरफे के साथ साथ बात निकल आई नजर के उनवान से, यहां तक पहुंच गई कि नजर उर्दू में नजर क्या है, नजराना हादिया, नजराना हादिया, चहारदे मासूमीन की खिदमत में हादिया, ये जो खाना रखा हुआ है इसके साथ खड़े होकर, गर्चे ये भी तरीका कोई मासूमीन का बयान किया हुआ नहीं है, लेकिन चौके इसमें गैर शर्ई कोई बात नहीं है, इसलिए इस पर अमल करने में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता इसे कोई शरीयत के साथ मखसूस किया जाए कि मीठा इतना बनेगा और नमकीन इतना किलो होगा वरना कबूल नहीं होगा, तो ये मसाइल मुख्तलिफ हो जाएंगे। हाँ मौला कबूल कर लेते हैं, एक पानी पर भी आप नजर दीजिए तो कबूल हो जाती है, वरना पूरे दस्तरखान भरे हुए और दिल खाली हो मोहब्बत अहले बैत से तो क्या खाक कबूल होगी। तो नजराना और है और नजर और है। नजराना क्या है, हदिया, हम जो अहले बैत की खिदमत में पेश करते हैं वो क्या है, नजराना, नजर नहीं है, नजर शरई नहीं है। नजर शरई तो गैर खुदा के लिए मुनअक़िद हो सकती ही नहीं है। नजर का मतलब क्या है, नजर का मतलब है अल्लाह से अहद करना। नजर शरई क्या है, अल्लाह से एग्रीमेंट करना। उसके बाकायदा सीगे पढ़े जाते हैं, जैसे सीगे निकाह, सीगे तलाक, सीगे बे और शरा, वैसे सीगे पढ़े जाते हैं बाकायदा। लिल्लाह अलैया अन अफल कजा, मैं अल्लाह के लिए अपने ऊपर लाजिम करार देता हूं कि रोजा खजूर से खोलूंगा, एक तरीका नजर का। मैं अल्लाह के लिए अपने ऊपर लाजिम करार देता हूं कि रात को वजू करके सोऊंगा। मैं अल्लाह के लिए अपने ऊपर लाजिम करार देता हूं कि मैं अपने उमरा मुफरदा का एहराम जद्दा एयरपोर्ट से पहनूंगा। मैं अल्लाह के लिए अपने ऊपर लाजिम करार देता हूं कि मैं अपने भाइयों से मुस्कुराकर मुलाकात कर, इला आखर इला आखर। ये नजर है, नजर शरई। तो नजर सिर्फ अल्लाह के लिए है, कभी कोई आपसे कहे तो आप घबराइएगा नहीं, नजर और है, नजराना और है। अहले बैत के लिए जो पेश किया जाता है आप उससे कहिए, बरादर मुस्लिम से गाइए, आप गौर कीजिए हम पढ़ते क्या हैं। एक मरतबा अल्हम्द, तीन मरतबा सूरह इखलास, अव्वल आखिर तीन मरतबा दुरूद की तिलावत के बाद कहते हैं परवरदिगार जो तिलावत किया गया इसको हदिया पेश करते हैं। खिदमत चहारदे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में कुर्बतन इलल्लाह, परवरदिगार तू इसे मकबूलो मंजूर फरमा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है, लेकिन ये इश्कालात बरहाल होते हैं, और जब आवाम हमारे दरमियान में रहने वाले कोई जवाब न रखते हो तो परेशान हो जाते हैं। और ऐसे ही तौहीद के मसाइल को टकराया जाता है अहले बैत अथार की विलायत के मसाइल से, हालांकि तौहीद अपने मकाम पर तौहीद है, विलायत अपने मकाम पर विलायत है। विलायत ने तौहीद को समझाया है और तौहीद ने विलायत की अहमियत के साथ कबूलियत आमाल का वादा किया है। और चूंकि बात हो रही है खानवादे अहले बैत के उस अजीम वाक्य के पस मंजर में कि दो शहजादे अलील हुए और उनके लिए मौलाए मुत्तकियान शहजादी कौनैन ने मन्नत मानी है, नजर की है अल्लाह के लिए कि तीन रोजे रखे जाएंगे। अम्मा फिजा भी शामिल हो गई, बाज़ रवायात के एतबार से खुद जन्नत के जवानों के सरदार भी शामिल हो गए, तो पंजतन वैसे भी हो गए, पंजतन वैसे भी हो गए। और ये अंदाजे पंजतन जरा मुख्तलिफ है, इसमें रसूल खुदा शामिल नहीं है, मगर फिर भी पंजतन है कि फिजा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर शामिल। मन्नत क्या थी कि ये दोनों शहजादे जब सेहत याब हो जाएंगे तब ये रोजे रखे जाएंगे। आयत क्या रही है, इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा, बेशक के नेक सिफत रखने वाले अफराद
जिनका ईमान अल्लाह की ज़ात पर, अमल सवाले अंजाम देने वाले रोज़े क़यामत पर ईमान, और अपने तमाम हुकूक़ माली अदा करने वाले अफराद, नमाज और ज़कात को कायम करने वाले अफराद, उनके लिए क्या है? इन्नल अबरारा यशरबूना, पीते हैं और पियेंगे। तो ऐसा जुमला है, पीते हैं और पियेंगे, जो पी गए वो अपने मकाम पर थे और आज तक लोग पीते हैं। इन्नल अबरारा, जब तक अबरार रहेंगे तब तक यशरबून का सीगा पढ़ा जाता रहेगा। अबरार पीते हैं और पियेंगे। मिन कासिन, कास कहते हैं बर्तन को, गिलास को, कप को। किससे पियेंगे? गिलास से पियेंगे। बसा औकात गिलास भी ऐसा हो तो फिर मजरूफ की कुछ अहमियत बढ़ जाती है, या कभी कभी पीने वाले के मकाम मर्तबे को देख के गिलास का इंतखाब किया जाता है। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि अगर आप आगाए सिस्तानी के पास पहुंचे हुए हों और आगाए सिस्तानी आपसे पानी मांग लें, तो क्या आप डिस्पोजेबल गिलास में आगे पानी देंगे, या सोचेंगे कोई ऐसा उम्दा गिलास हो, शीशे का हो, जरा बेहतर अंदाज से धुला हुआ हो, उसमें पेश करेंगे? तो इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा, उसका मिजाज जायका ऐसा मखलूत होगा जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। ये काफूर वो वाला नहीं इसको हम और आप शुमार करते हैं मरहूमीन के एतबार से। कहने लगे साहब, मैंने दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे ख्वाब में मरहूमीन की मुलाकात करवा दे, मुझे सुबह नमाज के वक्त काफूर की खुशबू आने लगी, मैं डर गया, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और नहीं मेरी बात समझ में आए तो आप गौर कर लीजिएगा, काफूर जाके सूंघ लीजिएगा। जब काफूर सूंघेगा तो आपको अंदाजा होगा कि अगर किसी गिलास में ये काफूर का एक जर्रा भी गिरा हुआ हो, उसमें आप पानी पी के दिखाइएगा मुझे, नहीं पी सकेंगे। ये काफूर वो नहीं है, वो काफूर जो अभी इस्तेमाल हो रहा है काफूर के माना में, ये तो जरासीम को हटाने के लिए, जरासीम मारने के लिए, ये मैयत को महफूज करने का शर्की तरीका है काफूर। लेकिन जो काफूर यहां इस्तेमाल हो, ये काफूर जन्नत की ऐसी खुशबू, ये जन्नत की एक नहर का खास जायका, काना मिजाजुहा काफूरा। यानी अब मैं अगर अपने लिहाज से कहूं कि आपको क्या पसंद है, रूहे अफजा पीते हैं कि जाम शीरी पीते हैं कि और कोई शरबत या शराब पीते हैं, उर्दू की शराब, अरबी की नहीं, या अरबी की शराब पीते हैं, एक है खमर एक है शराब। शराब मतलब पीने वाला शरबत, ना कि खमर असली, ना कि खमर जिसमें नशा हो, शराब हो मगर शराब तहूर हो, शराब हो मगर शराब तहूर हो। और क्या अंदाज है कि इन्नल अबरारा यशरबूना सीगे मुजारे इस्तेमाल हुआ सीगे जमा के साथ, क्योंकि अबरार जमा है, अबरार एक या दो आदमी नहीं है, अबरार तीन या तीन से ज्यादा अफराद हैं, और ये पीते हैं और पियेंगे मिन कासिन, ऐसे बर्तन में, ऐसे गिलास में, ऐसे कप्स में, काना मिजाजुहा काफूरा, कि उस बर्तन का मिजाज या उस शरबत का मिजाज होगा इसमें काफूर की आमेजिश वाकई होगी। आईन अशरबु बिहा इबादुल्लाह, ऐसा चश्मा, आईन ऐसा चश्मा, यशरबु बिहा इबादुल्लाह, जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे, अल्लाह के बंदे पिएंगे, युफज्जरूनहा तफजीरा, और ऐसे पिएंगे कि खाली पिएंगे नहीं बल्कि जहां चाहेंगे अपने साथ बहाकर ले जाएंगे। अजीब बात है, यानी मुझे जमजम पीना हो, जमजम चश्मा है, मुझे जमजम पीना हो तो वहां जाना पड़ेगा, हो कोई साहिब किरदार ऐसा कि जमजम को यहां बुला ले, जमजम वहां है, जमजम यहां आ सकता। जी अब तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में भी अब एक नया मिनरल वाटर इस वक्त मुतारिफ कराया जा रहा है आबे दुबई के नाम से, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, वहां बैठ के आप पीजिए दुबई का पानी,
क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान साहिब हैसियत हो, साहिब इख्तियार हो, साहिब इख्तदार हो, तो जहां चाहे बैठकर अपने घर से या खास मकाम से पानी मंगा ले, अपने घर से या खास मकाम से पानी मंगा ले, शरबत मंगा ले। लेकिन पानी मंगाना और है, शरबत मंगाना और है, और चश्मे को साथ लेके चलना और है। युफज्जरूनहा तफजीरा, वो जहां चाहेंगे चश्मा फूट पड़े। सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये तो आसान सी मिसालें हमने देखा तारीख में कि ठीक है, वो अहले बैत अथार का मसला तो अपने मकाम पर है, यहां तो फिजा ने एक मरतबा अल्लाह के रसूल की दावत कर दी है। फिजा ने अल्लाह के रसूल की दावत की है, चूंकि पहले अल्लाह के रसूल की दावत हो चुकी अहले बैत अथार की तरफ से, तो फिजा की भी ख्वाहिश हुई कि मैं भी अल्लाह के रसूल की दावत करूं। दावत तो दे दी, मगर अब परेशान हैं कि क्या इंतजाम करें। ये तो खुद कनीज हैं और कनीजे सैयदा हैं, ऐसी कनीजे सैयदा के मुसल्ले पर बैठ गई नमाज के बाद, खुदा से बातें शुरू कर दी, परवरदिगार तेरे हबीब को दावत दी है, अब तू जाने और हबीब के खाने का इंतजाम जाने। अल्लाह ने जन्नत से दस्तखान नेमत को नाजिल किया, अल्लाह का रसूल मस्जिद से निकल रहे थे कि असहाब कराम में बाज ने आपसे मसला पूछना शुरू किया, रसूल को ताखीर हुई, जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, चलिए फिजा आपका इंतजार कर रही हैं। तो हो कोई खानवादे अहले बैत से इतना करीब कि वहां से खाना यहां मंगा ले, या यहां से चश्मा जहां चाहे साथ लेकर चले। अब समझ में आता है इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल। दो सवाल, एक सवाल तो ये है कि इमाम जमान के लश्कर के लोग पानी कैसे पिएंगे, सवाल अपने मकाम पर, या वो सवाल कि इमाम जब आएंगे तो इमाम के पास हथियार कौन से होंगे, और आज के जदीद हथियारों को देखते हुए क्या तलवार की बात सूट करती है कि हम तलवार की बात, कसम ब खुदा तलवार की बात इतना सूट करती है कि जो आज के हथियार रखने वाले वो परेशान हैं, ये एक तलवार वाले पे इतना यकीन किए हुए, कोई ऐसी खास तलवार होगी इसका मुकाबला करने के लिए इतना असलहा जमा किया जा रहा है इंसानियत की तबाहकारी के लिए। असलन ये सवाल किया था आगा नखोतकी से किसी बरादर मुस्लिम ने, आगा नखोतकी हसन अली इनका नाम है, मशहद मुकद्दस में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे के बाहर सहन में बैठते थे, और नखूत कहते हैं गालिबन फारसी में चने को, तो ये चने पढ़ पढ़ के दिया करते थे, और जिसको चने पढ़कर देते थे इसका काम हो जाता था। हमारे यहां चने पढ़े जाते हैं मरने के बाद, वो जिंदगी में चने पढ़ के दिया करते थे और जिंदा अफराद के काम हो जाते थे, इसलिए वो आका नखूत की मशहूर हो गए, और आज भी उनकी कब्र मुबारक इमाम के हरम के जवाब में मौजूद है। तो उनसे सवाल किया किसी ने आकर के, ये बताइए कि आपके जब इमाम आएंगे तो एक तलवार से क्या क्या कर लेंगे तलवार से। जमाना कब का, जब जमाना हुकूमत है वहां पर शहनशाह की, शहनशाहियत है, बादशाहत है, ऐसे में जवाब नहीं दिया आगे नखोतकी ने, बल्कि अपने पास से कील निकाली और कहते हैं उस वक्त शहनशाह और बादशाह जो है वो आया हुआ था उस इलाके में, और पूरी गाड़ियां उसके तमाम पर स्कॉट चल रहा था, तमाम पर जो उसके हिफाजत के इंतजाम थे वो रहे। क्या मैं ये कील यहां गाड़ता हूं, जमीन में जाके देखो बाहर क्या हुआ है। आगा नखोतकी ने कील गाड़ी है, और इसने जो बाहर जाकर देखा जितनी गाड़ियां स्कॉट में शामिल थी सबके इंजन सीज हो गए। जितना, बहुत आसान सी मिसाल है, पहले हम समझ नहीं पाते थे, इंसान बनाता भी खुद है फिर तोड़ भी खुद निकालता है कि अब ये जाम कैसे किए जाएं, रेडार्स ऐसे कौन से लाए जाएं कि मिसाइल सिस्टम नाकारा हो जाए, मोबाइल्स जाम हो जाएं, कौन से जैमर लगाए जाएं। तो इंसान बनाता भी खुद है
और उसको रोकने का इंतजाम भी खुद दरियाफ्त करता है। आगे नखोतकी ने की जमीन में गाड़ी है और सब गाड़ियां रुक गईं। अब परेशान हैं कि ये अचानक क्या हुआ, सबके इंजन सीज हो गए या फेल हो गए, यानी अब कोई गाड़ी हरकत नहीं कर सकती, कोई स्कॉट का कोई शख्स आगे कैसे गाड़ी चलाएगा, बंद हो गया सब कुछ, काफिला रुका हुआ, हाथ पे हाथ रखकर बैठ के कुछ नहीं कर सकते। और पलट के वापस आया, कहता है वहां तो ये मामला हो गया, आपने कील निकाली, कहा आप जाके देखो, जाके देखा स्कॉट फिर चलना शुरू हो गया, गाड़ियों के इंजन खुद ब खुद ठीक हो गए बगैर मैकेनिक बुलाए हुए। अल्लाह तो कहते हैं कि जिस इमाम का एक छोटा सा गुलाम सिर्फ एक कील जमीन पे गाड़ दे, तो इतने बड़े हुकूमत के जो बादशाह है उसका निजाम जैम हो जाए, सिस्टम रुक जाए, तो फिर इमाम की तलवार का पूछते हो। तो बात कहां से कहां निकल आती है, बात चल रही थी कि अगर इंसान मोमिन चाहे तो जन्नत से खाना यहां मंगा ले या अपने साथ चश्मे को लेकर चले, जब इमाम आएंगे तो क्या इमाम के साथ चश्मे साथ चलेगा, एक पत्थर होगा हजरे बनी इसराइल के नाम से, इस पत्थर में इस तरह से चश्मे जारी होंगे कि जितने कबीले इमाम के साथ चलेंगे सब शराब होते हुए चलेंगे। तो पत्थर साथ चले या खुद चश्मा साथ साथ चले, युफज्जरूनहा तफजीरा, वो जहां चाहेंगे चश्मा उबल पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये साहिबा ने अबरार की पहचान। और यहां तक बात को रोकते हुए, चाहें तो चश्मा उबल पड़े लेकिन अगर खुदा के रसूल की मोहब्बत तो प्यास भी बर्दाश्त है और भूख भी बर्दाश्त है। ऐसी शदीद प्यास, ऐसी शदीद भूख जनाब खतीजे ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत और कुर्बानियां, सब कुछ आपने अपना तो सरमाया सब पर सब कुर्बान कर दिया। क्या शख्सियत, तीन इशारे में करता हूं। मैंने कल एक बात कही थी कि बाकी अजवाज मुतहरात का मकाम अपने मकाम पर वाजे है, जिसका जो अमल वो उसके साथ है अजवाज मुतहरात में, लेकिन अजवाज मुतहरात में हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि खतीजा ताहरा का मकाम सबसे बुलंद है, बाकियों का मकाम उससे मुख्तलिफ और उसके बाद है, ये एक फैसला कौन करेगा। ये फैसला सरकार खत्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने किया। बहुत ही घंटा दिक्कत से है तो ये कमजोर हो गए, हम ताकतवर हो गए, पता नहीं क्या मसला, खैर छोड़ दीजिए। कई सारे वाकयात हैं और खास वाकयात उस एक ऐसी खातून के नाम से मंसूब हैं कि जो आलम इस्लाम में बहुत ज्यादा एहतराम की निगाह से देखी जाती, जनाब आयशा। अजवाज मुतहरात में एक ऐसा नाम जो बहुत मारूफ नाम है और इनके ही हवाले से वाकयात मौजूद हैं कि ऐसे वाकयात अल्लाह के रसूल के जमाने पेश आए कि जब अल्लाह के रसूल ने किसी मौके पर तकरीबन अल्लाह के रसूल बीबी खतीजा के वफात के बाद तकरीबन 12 साल या उससे कुछ ज्यादा हयात जाहिर में रहे, यानी दुनिया में रहे आप, उसके बाद आपका भी विसाल हुआ या शहीद कर दिए गए, तो 12 साल में कोई दिन कोई मौका और महल ऐसा नहीं गुजरता था जब आप खतीजे ताहिरा को याद ना करते हो। और ये बहरहाल एक फितरी सी बात है, ख्वातीन के लिए फितरी कहना बड़ा मुश्किल है, बहरहाल एक बात है, जब तरबियत ना हो तो फिर ये बात होती है कि वो एक जेलेसी पैदा होती है। अब मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, सो कन का तर्जुमा करूं, सो और कन किसे कहते हैं, ये कौन कौन से जो दिल में कैफियात पैदा होती हैं एक खातून की दूसरे खातून के लिए, जबकि शोहर दोनों का एक हो। अब ये तारीफ कर रहे, याद कर रहे हैं किसको, एक बनी असद की औलाद में से खतीजा को,
तो इनको इश्काल हुआ, एतराज हुआ कि आप उनको याद कर रहे हैं, वो तो बूढ़ी खातून थी, बनी असद की एक औरत को याद करते हैं, बूढ़ी खातून थी वो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पहली रिवायत, खतीजे ताहिरा को याद क्यों करता हो? खतीजा को याद इसलिए नहीं करता कि वो खतीजा थी इसलिए याद करता हूं, नहीं, इसलिए याद करता हूं कि सद्दकतनी इस कज़्ज़बतुम, उसने मेरी तस्दीक की जबकि तुम मुझे झुटलाने वालों में शामिल थे। उसने मेरी तस्दीक की जबकि तुम मुझे झुटलाने वालों में शामिल थे। अल्लाहु अकबर, ये इतना बड़ा जुमला है। हम फैसला नहीं कर रहे कि अज़वाजे मुतहरात में किसका क्या मकाम है, ये खुदा के रसूल जानते हैं और खुदा बेहतर जानता है कि किसका क्या मकाम है। लेकिन जो हदीस के अल्फाज मिले वो ये बताते हैं कि अपने माल को मेरे ऊपर खर्च किया जबकि तुम अपने माल को रोके हुए अफराद में शामिल थे। अल्लाह के रसूल ने कमाल किया, सिर्फ खतीजा की शान बयान नहीं की बल्कि मुखालिफीन का मकाम भी बयान कर दिया, वो क्या थी और तुम क्या हो। अब समझ में आया कि तवल्ला के साथ तबर्रा भी तो होना चाहिए कि विला किसके लिए हो, बराअत किससे हो। क्या उसने मेरी तस्दीक की, खतीजा मिन है से खतीजा नहीं, मुसद्दिक़े रिसालत, अव्वले मोमिना, अव्वले मुस्लिमा, पहली खातून, खातून अव्वल भी और अव्वले मुसलमान भी, आपके निकाह में भी और आपके ईमान में भी। वरना बहुत से लोग हो सकता है मस्जिद में बड़ी बड़ी बातें करते हो, जरा पूछिए घर में हालात कैसे हैं। अब अंबिया की तारीख बयान करें तो बात कहीं और चली जाएगी। घर में बीवी कैसी है वो मसला कितना मुख्तलिफ है। बाहर उम्मत के लोग आपकी बात माने ना माने, घर की वाली बात तो खातून बात मानती हैं। खतीजा ताहिरा अब मेराज अपने मकाम पर, शक्कुल कमर अपने मकाम पर, शक्कुल कमर के वाक़े के बाद जब अल्लाह के रसूल नाराहत हुए, रंजीदा खातिर हुए, क्यों कि कुफारे मक्का ने बरमला कहा कि आप तो ऐसे जादूगर हैं कि आपका जादू जमीन पर ही नहीं चलता बल्कि आसमान पर भी चलता है। पहले कह रहे थे अगर आप 14वीं रात के चांद को शगाफ्ता कर दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे, और जब पैगंबर ने इकरार करवा लिया कि ईमान लाओगे, मैं कर दूं ईमान लाओगे, तो कहां ईमान लाएंगे, जब आपने करके दिखाया तो इनकार कर दिया, करके दिखाया इनकार कर दिया। जब आप नाराहत और रंजीदे खातिर घर में दाखिल हुए, खतीजे ताहिरा ने मुस्कुराते हुए अल्लाह के रसूल का इस्तकबाल किया और कहती या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी आंखों से देखा कि चांद दो टुकड़ों में तकसीम था। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा अगर कीजिएगा कि किस माहौल में ये एक जुमला, इस मौजमा का एक जुमला इतना कीमती है, इतना कीमती है कि सारी हिमायत के नारे एक तरफ, खतीजा का एक जुमला एक तरफ है। वरना इतना बड़ा मौजज़ा सूरह मुबारक अल कमर, इसने तीन आयात इब्तदाए सूरह कमर की साथ इसी वक्त के बारे में, इक्तरबतिस सातु वंशक्कल कमर, घर के बाहर के लोग काफिर इनकार कर रहे हैं, घर में खातून हैं जो तस्दीक कर रही हैं। और फिर फरमाती हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके बारे में परेशान होती हूं कि आपके साथ इतने मुखालिफीन, परेशान क्यों होती हैं कि मुखालिफीन इतने हैं, किस बात पर खुश हो रही थी कि आपका मौजज़ा इतना अजहर मिना शम्स है कि घर में भी हो खातून हिजाब के न तो मौजज़े को देख ले। कहती हैं मगर जब मैं परेशान होती हूं आपके लिए तो मुझसे शिकम में सैयदा खिताब करती हैं कि मादर मेहरबान मत घबराइए, खुदा मेरे बाबा का बड़ा निगरान है, अहले मशारिक और मगारिब सब अगर खिलाफ भी हो जाएं तब भी मेरे बाबा का नुकसान नहीं कर सकेंगे। तो शिकमे मादर से सैयदा का जुमला या मादर सैयदा का जुमला रसूल खुदा के मौजजे के रोनमा होने के बाद। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ठीक है, तो पहला जुमला कि तुम सब जब अपने माल को रोके हुए थे, उसने अपना माल मुझ पर कुर्बान कर दिया। तो तुमने माल रोका, उसने माल कुर्बान किया, तुमने मुझे झुटलाया, उसने तस्दीक की। तीसरा जुमला अजीब जुमला है, उसने मुझे औलाद दी जबकि तुम बांझ थी। अजीब जुमला अल्लाह के रसूल का, यानी हम और आप फैसला नहीं करते किसी के बारे में, हम तो अल्लाह के रसूल के अल्फाज को नकल करते हैं, रिवायत को पेश करते। उसने मुझे औलाद दी, गोया ये भी कोई खास बात है। हाँ होता है, मर्दों में ये खास बात होती है, भाई आपके औलाद नहीं हो रही, लोग क्या कहते हैं एक और शादी कर लीजिए, औलाद नहीं हो रही ना तो एक शादी और कर लीजिए ताकि हो सकता है खुदा आपको उस खातून से औलाद अता कर दे। या कभी ऐसा होता है कि इंसान रिश्ते का इंतखाब करे तो देखे कि आया ये खातून की फूफी, इस खातून की खाला, इस खातून की फूफी, इस खातून की खाला खुद साहिब औलाद है कि नहीं है, कि ये अंदाजा हो कि ये खातून उस खानदान से मुताल्लिक है जहां समर आवर हो सके। ये रिश्ते के इंतखाब के मसाइल हैं, जैसे हसब देखते हैं नसब, ऐसे ये खानदान इस बुनियाद पर भी देखा जाता है। अल्लाह के रसूल का वो जुमला कितना खूबसूरत है, खतीजा ने मुझे औलाद दी जबकि तुम औलाद देने से बांझ थी। तुम कहती हो मैं याद क्यों करता हूं। अब आई सिर्फ दो जुमले और सुन लीजिए, एक जुमला वो जो खुद जनाब आयशा के अपने अल्फाज हैं और ये मैं रिवायत पेश कर रहा हूँ, आगा मोहम्मद मोहम्मदी इश्तहारदी ने किताब सैयद खतीजा ताहिरा में तमाम हवालों के साथ लिखा वाकया। कहते हैं कि खुद फरमाती हैं ये कि अल्लाह के रसूल को जब कभी खतीजा ताहिरा का वास्ता दिया जाता था, बल्कि मा जिल तो अतकर्रबो इला रसूलिल्लाह बिज़िक्र हा, हम हमेशा अल्लाह के रसूल की कुर्बत हासिल किया करती थी हम लोग खवातीन बेजिक्र हा, यानी जिक्र खतीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा। बाकी जितनी खवातीन रसूल के निकाह में, वो सब रसूल खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए एक ही जिक्र था, जिक्र खतीजा ताहिरा। अल्लाह का रसूल पूरे साल भर में कोई मिलने वाली खातून खतीजा के दौर की आ जाए, उनकी बहन आ जाए, उनके जमाने में आने वाली खातून यहां पर आ जाए, उसका इस्तकबाल करते थे। और जब कभी आप कोई गोश्त तकसीम करवाना चाहते थे या खाना बंटवाना चाहते थे तो आप खास हिस्सा जनाब खतीजा से, जो मोहब्बत करने वाले घराने थे, उनके लिए भिजवाया करते थे। तो फिर सवाल आया कि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, इन्नी लाउहिब्बु हबीबहा, मुझे खतीजा से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत है। है कोई जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को ठुकराना चाहे, है कोई? इन्नी लाउहिब्बु हबीबहा, मुझे खतीजा से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत है। और हम और आप तो खैर क्या बयान करें, हम बयान करते हैं तो शायद हम पर कहा जाए कि आप खास मकतब रखते हैं, इसलिए बयान करते हैं। मासूमीन ने खुद खतीजा ताहिरा के निस्बत को फख्र के साथ बयान किया। सरकारे खत्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दस, अल्लाह के रसूल की मशहूर रिवायत जो आपने बहुत मरतबा सुनी मिंबर से साहिबान इल्म से, कि अल्लाह के रसूल दोनों शहजादों को आगोश में लिए हुए बैठे हैं और सहाब के दरमियान क्या फरमाते हैं, क्या यह नास अला उखबिरकुम, क्या मैं तुम्हें खबर न दूं कि अफजलुन नास कौन है, जद्दन व जद्दतन, अपने नाना और नानी के एतबार से अफजल तरीन इंसानों में कौन है। तो असहाब एक जुबान होकर कहा, या रसूल अल्लाह आप खबर दीजिए, आप बेहतर जानते। तो आपने शाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन, अफजल कौन, हसन और हुसैन, किस लिहाज से अफजल, इसलिए कि जद्दुहुमा रसूलुल्लाह
وَجَدَّتُهُمَا خَتِيجَةُ الْكُبْرَى, جہاں نسب میں, جہاں فخر میں, جہاں امتیاز میں ختمیہ مرتبت کا رشتہ بولا جا رہا ہے وہاں ختیجہ طاہرہ کا نام دیا جا رہا ہے. یا میں دربار شام چھوڑ دیتا ہوں حاکم شام کے واقعات کو, خود مدینہ منورہ میں جب حاکم شام نے آ کر اپنے خاندان کے جو مصنوعی فضائل بیان کرنا شروع کیے تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا, میں حسن میرے بابا, میں حسن میری ماں, میں حسن میرے نانا, میں حسن میری نانی, تو فلاں, تیری ماں کا نام یہ, تیرے بابا کا نام یہ, تیرے دادا کا نام یہ, تیری دادی کا نام نشیلہ اور میری نانی کا نام خطیت الکبرہ سلام اللہ علیہ. فخر معصوم ہے, یہ معصوم کے لیے فخر ہے کہ خدیجہ طاہرہ سے اپنی نسبت کو بیان کر رہے. اللہ اکبر, ساری دنیا معصوم کے نام کو باعث فخر سمجھے اور معصوم خدیجہ کے نام کو باعث فخر قرار دے. اس کے بعد بھی اگر میرے اور آپ کے پاس گنجائش وقت نہ ہو خدیجہ کے ذکر کے لیے تو کہاں جائیے. اب آئیے تیسرا مرحلہ وہ کہ جہاں پہ بی بی خدیجہ طاہرہ کا نام کربلا مولا میں سرکار سید الشہداء نے لیا. اللہ انشدکم, کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں, کیا تم اس بات پر تاکید نہیں رکھتے کہ میں کون؟ میں حسین ابن علی, میری نانی خدیجہ طاہرہ. اللہ اکبر, کربلا کے میدان میں امام نے اپنا تعارف, اپنے امتیازات میں, اپنے فخر میں اپنی نانی کا نام دیا. یا سید سجاد نے دربار یزید میں جناب خدیجہ طاہرہ کا نام دیا, انا ابن خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. یا دعائے ندبہ میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب خدیجہ, وابن خدیجۃ الغرا وابن فاطمۃ الکبریٰ, اے خدیجہ غرا کے فرزند, اے فاطمہ کبریٰ کے بیٹے, حجت پروردگار. تو یہ فخر کا مقام ہے کہ خدیجہ طاہرہ سے نسبت ہو جائے اور جسے محبت ہو جائے, رسول خدا اس سے محبت کرنے لگے. اس لیے محبت نہیں ہے کہ کوئی توسل قائم کیا تھا, دعا پوری ہو گئی. خدیجہ کے نام سے اس لیے محبت کہ جو پیغمبر سے محبت کرے میں اس سے محبت, پیغمبر سے شدید محبت خدیجہ طاہرہ کی, اسے پیغمبر سے نہیں بلکہ پیغمبر کے بعد آپ کی اولاد اطہار سے کیا خاص محبت. خدیجہ طاہرہ اپنا سب کچھ قربان کر کے جانے والی بی بی, کیا واقعات کربلا کے بعد بی بی خدیجہ کا کوئی عنوان بیان کیا جاتا ہے؟ جی, تین روایات کا خلاصہ پیش کروں گا کہ آخر کربلا کے واقعے کے بعد بی بی خدیجہ طاہرہ کو کن کن مقامات پر محسوس کیا گیا. عجیب سخت جملہ ہے, برداشت کر سکیں گے؟ بہت مشکل وقت تھا جبکہ ایک ایسا شخص جو امام کی لاش مطہر کے قریب امام کی لاش کو لوٹنے کے لیے آیا ہے. امام کی لاش کی غربت تو آپ کے علم میں ہے, ایسی غربت ہے لاش کی کہ جس کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ مار کے چلا جاتا ہے, جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ لوٹ کر ایسے چلا جاتا ہے. عجیب غربت ہے میرے مولا کی. کہتے ہیں کہ امام کے دست مبارک میں, انگشت مبارک میں انگوٹھی کو ملاحظہ کیا اور تو سب سامان لوٹ گیا تھا, دیر سے آیا. یہ ملعون کہتا ہے میں دیر سے کربلا پہنچا تو میرے حصے میں کچھ نہ آیا, میں لوٹنے کے لیے جب لاش حسین کے قریب گیا تو مجھے چمکتی ہوئی انگوٹھی دور سے دکھائی دی. کہتا ہے میں قریب آگے بڑھا اور جب اتارنا چاہا انگوٹھی کو, تبھی جملہ اس کا ہے, رونے والوں اگر برداشت کر سکو گے تو بیان کرو, جب خون زیادہ بہ جائے تو جسم کے کچھ حصے جو ہیں ورم کر جاتے ہیں, سوج جاتے ہیں, تو انگوٹھی اتارنا مشکل ہو رہی تھی. ملعون کہتا ہے میں نے ادھر ادھر تلاش کیا کہ کہیں سے ٹوٹا ہوا خنجر مل جائے یا کوئی تلوار ٹوٹی ہوئی اس کا حصہ مل جائے تاکہ یہ انگلی کاٹ کر انگوٹھی اتار.
कहते मैं तलाश कर रहा था कि अचानक आसमान से आमारियों का नुजूल शुरू हुआ। कहता है मैं घबरा कर पीछे झाड़ी के छुप गया, मैंने देखा एक अमारी आसमान से गोया नाजिल हुई है, अमारी से एक सफेद रीश बुजुर्ग बाहर आए हैं, दाढ़ी पर खून लगा हुआ है, आस्तीनें पलटी हुई हैं, सर पे अमामा नहीं है, साथ में दो बीबियां हैं, एक बीबी ऐसी है जो एक हाथ से अपना पहलू थामे हुए है, अरे दूसरी बीबी उसको सहारा देती है। मैं हैरान था ये कौन है, किसी मुनादी ने खबर दी, रसूल खुदा कहते हैं कि रसूल खुदा वहां पहुंचे थे, या वो बीबी फरियाद कर रही थी, बाबा मेरा हुसैन, अम्मा मेरा हुसैन, खतीजे ताहरा भी साथ साथ हैं, रसूल खुदा भी साथ साथ हैं। दूसरा मंजर वो है, बर्दाश्त कर सकोगे रोने वालों, जबकि जनाबे सकीना कहती है जिंदा ने शाम में अचानक मेरी आंख लगी, मैंने हालत ख्वाब में देखा कि अमारियां नाजिल हुई हैं, ये पांच बीबियां बरामद हुई हैं। मैंने पूछा ये कौन सी बीबियां हैं, कि जनाबे हव्वा भी हैं, जनाबे आसिया भी हैं, जनाबे मरियम भी हैं, जनाबे खतीजा भी हैं, और ये कौन बीबी है कि जो एक हाथ अपने सर पे रखे हुए है, एक हाथ से पहलू थामे हुए है, कि ये तुम्हारी दादी फातिमा जहरा। कहती सकीना बीबी मैं आगे बड़ी दादी से फरियाद करूं, दादी मेरे बाबा का सर कट गया, दादी हमारा घराना लूटा गया, दादी हमारे सर से चाद। محمد وعلى محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد وعلى محمد کا، پروردگار جناب خدیجہ طاہرہ کا واسطہ، اس بی بی کا واسطہ جو بھی کبھی کربلا میں جناب سیدہ کے ساتھ آ کے روئیں، کبھی خولی کے گھر میں کٹے ہوئے سر حسین کو تندور سے نکال کر رونے کے لیے پہنچی، اس بی بی کا واسطہ جو کبھی سکینہ کو دلاسہ دینے زندان شام میں پہنچی، پروردگارہ جناب خدیجہ طاہرہ کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، تمام مشکلات کا خاتمہ فرما، تمام صاحبان ایمان دنیا بھر میں جہاں کہیں آباد ہیں ان کے حالات کی اصلاح فرما، ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما، ان کے روزگار و کاروبار کی حفاظت فرما۔ خاص طور سے پروردگار اس امام بارگاہ کے خدمت گزاران، تمام والنٹیر حضرات جو خدمت کر رہے ہیں بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی مفاد ظاہر دنیا کے مالک، ان تمام عاشقان امام الرضا کی حاجات کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار تمام تر ماتن بران مزدوم کربلا کو کربلا معلا کی زیارات بھی نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، امام رضا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے ساتھ آج کی افطاری کا اہتمام جناب علی رضا لیلانی اور بندہ خدا کی جانب سے تھا، ان کے مرحومین کے لیے، مرحوم روشن علی لیلانی، مرحوم اکبر علی لیلانی، مرحوم گلشن بانو لیلانی، مرحوم برکت علی شیر محمد، مرحوم مریم بھائی لیلانی فیملی کے مرحومین، دھارسی فیملی کے مرحومین، پونا والا مرچنٹ اور ناتھانی فیملی کے مرحومین، اور موسیٰ دھنجی فیملی کے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہداء ملت کے لیے ارشاد فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستقیم، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अभी दो दिन की नमाज कज़ाए उमरी जमात से अंजाम दी जाएगी, खुदा मेरी और आपकी नमाजें कबूल करे। बर रहमतिका या अरहमर राहिमीन।